वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम डीएनए पैकेजिंग के नाम से जानते हैं उसके बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि सपोज है कि ये कोई सेल है और इस सेल के भीतर में एक न्यूक्लियस होता है। आप जानते हैं जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब अगर हम इस न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा करके देखें, सपोज है कि ये कोई न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको एक से लेकर कई क्रोमैटिन के धागे दिखेंगे। जब सेल डिवीजन की स्टेज आती है, सिर्फ उसी दौरान कोशिका विभाजन के दौरान ही आपको ये क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या ठीक उतनी ही होगी जितनी कि उस जीव में क्रोमोसोम की संख्या होती है। आगे अभी आप देखेंगे कि कैसे हम इसी डीएनए के सेगमेंट को क्रोमैटिन और फिर बाद में क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, केंद्रक का स्ट्रक्चर है। अब हम सपोज दैट ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेकर चलते हैं, किसी मानव कोशिका का एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है या फिर 23 पेयर हम बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है किसी ह्यूमन सेल का है, किसी मानव कोशिका का न्यूक्लियस केंद्र है। तब आप इस स्ट्रक्चर को जब देखेंगे सेल डिवीजन के दौरान, उस समय आपको इस तरह की 46 संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। इन्हीं संरचनाओं को हम डीएनए सेगमेंट बोलते हैं या फिर क्रोमैटिन बोलते हैं। अब ये जो सेगमेंट्स हैं सेल डिवीजन के दौरान, इनकी जो लंबाई है वो संकुचित हो जाती है, अर्थात ये आकार में छोटे हो जाते हैं, किंतु इनकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। और उस कंडीशन को, उस दशा को हम क्रोमोसोम कहने लगे हैं। यानी कि जब ये क्रोमैटिन जो है संकुचित हो जाते हैं तब इनको हम क्रोमोसोम कहने लगते हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्या ये सिर्फ डीएनए का बना होता है? ये जो क्रोमैटिन के धागे आप देख रहे हैं क्या ये सिर्फ डीएनए का बना होता है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। इसमें हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका की आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो क्रोमैटिन के धागे हैं अगर उनको हम देखा जाए तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है, एक धागे नुमा संरचना और उस पर कुछ ऐसे बीड लाइक मोतियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। उन संरचनाओं को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक गेंद जैसी संरचना है, उसके ऊपर कोई धागे या फिर रस्सी नुमा संरचना लपेटे हुए है। यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे तो ये जो आपको धागे नुमा संरचना या फिर रस्सी नुमा संरचना जो इस गेंद नुमा संरचना पर गोल स्ट्रक्चर पर लपेटे हुए है, उस धागे नुमा संरचना को हम डीएनए बोलते हैं। और ये जो गेंद जैसी गोल संरचना आप देख रहे हैं ये एक
प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो डीएनए है वो इस प्रोटीन वाली संरचना पर क्यों लिपट जाता है। अब यहां पर आपने पहले पढ़ा है कि जो हमारा डीएनए होता है उसको हम न्यूक्लिक एसिड के रूप में भी जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड, तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। तो क्योंकि यहां पर एसिड शब्द आप देख रहे हैं तो इससे आपको क्या पता चलता है कि इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो एसिडिक होगी, अर्थात ये जो हमारा डीएनए होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज इस पर ऋण आवेश होगा डीएनए पर। और ये जो आप कॉम्प्लेक्स प्रोटीन देख रहे हैं जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं उसमें पांच प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो पांच प्रकार की होती हैं, जिसमें H1, H2A, H2B और H3 तथा H4, ये पांच प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इन पांच प्रकार की प्रोटीन्स में ये जो लास्ट की चार प्रोटीन्स हैं ये अंदर में पाई जाती हैं, जबकि जो H1 प्रोटीन है वो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके दोनों निकले हुए सिरे होते हैं उसको बांधने का काम करती है। जो H1 प्रोटीन होती है इन दोनों सिरों को बांधने का काम करती है, और उससे फायदा ये होता है कि जो ये थ्रेड धागा लपेटे हुए हैं वो तक खुलने ना पाए। आप किसी भी गेंद पर धागा लपेटें, अगर उस पर आप गांठ लगाकर बांध ना दें तो वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से ये जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है इन दोनों सिरों को वो बांधने का काम करती है, और उससे फायदा ये होता है कि ये जो इस पर लपेटा हुआ स्ट्रक्चर है वो खुलने नहीं पाता। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हजारों न्यूक्लियोसोम, ये इस पूरी संरचना को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, इस तरह का हजारों स्ट्रक्चर, हजारों न्यूक्लियोसोम बनकर, अब यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर हमने खत्म कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी जो है यहाँ पर आगे गोल सी संरचना होगी उस पर भी जो है ये लपेटे हुए कुछ इस तरह की संरचना आप देखेंगे ठीक इसी प्रकार से, इस तरह की। तो ऐसे ये जो डीएनए का एक्सट्रैक्ट होता है काफी लंबा होता है, आप जानते हैं, बताया भी गया है। तो इस तरह से बहुत लंबा ये स्ट्रैंड होगा, उस पर ये जो प्रोटीन के गोले हैं बीच बीच में लिपटे नजर आएंगे। तो अगर हम इसको मान लें कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है और यहाँ पर ये हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी कि ये जो गोले आपको लिख रहे हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे मोतियों के समान की संरचनाएं हैं ये, तो हमको ये जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिखेगा उसको हम क्रोमैटिन बोलेंगे, क्रोमैटिन। अब इस लंबे से स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन बोलेंगे, और एक मानव कोशिका में इसकी जो संख्या होगी वो 46 अर्थात की 23 जोड़ी होगी। और ये जो क्रोमैटिन के धागे हैं कोशिका विभाजन के दौरान संकुचित हो जाते हैं, और उस संकुचित क्रोमैटिन को हम तब क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अब अगर हम इस क्रोमैटिन को और ज्यादा डिटेल में स्टडी करें तो हम पाएंगे कि ये जो क्रोमैटिन है इसके कुछ पार्ट में
ये जो न्यूक्लियोसोम है वो काफी टाइटली बाइंड अप हुए रहेंगे, काफी मजबूती से बंधे रहेंगे, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होगा जहां पर ये न्यूक्लियोसोम अर्थात ये जो मोती समान संरचनाएं हैं वो थोड़ा लूजली बंधी रहेंगी। तो उस आधार पर जहां पर सपोज दैट हम मानते हैं कि यहां तक की जो ये संरचना है आप देख रहे हैं ये क्या है, इसमें ये टाइटली बाइंड है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर हो सकता है ये लूजली बाइंड हो। तो यहाँ पर दो रीजन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिस रीजन में न्यूक्लियोसोम मजबूती से बंधे रहेंगे उस रीजन को हम हेटरोक्रोमैटिन बोलते हैं। तो ये रीजन हमारा हो जाएगा हेटरोक्रोमैटिन, तथा ये जो दूसरा रीजन आप देख रहे हैं जहां पर न्यूक्लियोसोम ढीले बंधे हुए हैं उस रीजन को हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं, यूक्रोमैटिन। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जब आप क्रोमैटिन को डाई करेंगे, जब उसको रंगेंगे, उस दौरान जो हेटरोक्रोमैटिन वाला रीजन होता है वो काफी ज्यादा कलर हो जाता है और जो यूक्रोमैटिन वाला रीजन है वो लाइट कलर देता है, अर्थात वो हल्का कलर प्रदर्शित करता है। इसके बाद ये तो हो गया यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिसमें आपके बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम शॉर्ट फॉर्म में बीजीए बोलते हैं। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपको भी अभी बताया गया कि जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, एसिटिक होता है, और इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है। तो कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाकर जो डीएनए होता है वो पैकेज हो जाता है, उसकी पैकेजिंग हो जाती है, डीएनए पैक हो जाता है। एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, और ऐसे रीजन में जिसमें वो न्यूक्लियस पैक होता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं।